पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की लुधियाना फेरी के 12 घंटे पहले कांग्रेस के ही पंजाब प्रदेश सचिव सतेंद्र जवद्दी के घर में हुई जमकर गोलीबारी। बाल बाल बचा परिवार पुलिस मामले की कर रही है जांच। इस दौरान सतेंद्र जवद्दी ने कहा कि पुरानी रंजिश के कारण उस पर ये हमला हुआ है। उसने यह भी कहा कि वो कई बार इन हमलों से बच चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उसके घर पर दरवाजों और दीवारों पर भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। उधर इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। मैं पहला तो ही कांग्रेस पार्टी नूं बिलोंग करदा, मैं काउंसलर भी रह चुके हैं, मैं कई अहुदियां ते रह चुके हैं कांग्रेस दे, हुण मैं सकत्तर पंजाब कांग्रेस हाँ। यह पुरानी इन्हां दी रंजिश चली आ रही है साडे नाल, यह पॉलिटिकल भी हो सकता। इन्होंने कई बार साडे ते हमले किए आ, पर सारे हमलों च साडे परिवार ते कई बार गोलियां भी लगियां ने। बचा हुंदा रहा परमात्मा करनी। हुण फिर उदन 11 बजे दे लगभग साडे ते फिर इन्होंने हमला किया, काफ़ी गोलियां राउंड फायर इन्होंने किए साडे ते, ते साडे कंधां च ते साडे दरवाजियां दे विच गोलियां लगियां, ते साडा परमात्मा करनी बहुत ही बचाव होया। मैं जिहड़ी आवाज़ सुनी आ तकरीबन 15-20 फायर होए ने, जिहड़ी मैं सुनी आ आवाज़, ते जिहड़े साडे कोल दी राउंड जिहड़े इन्होंने फायर किए, जिहड़े मेरे कोल दी लंघे ने, जिहड़े मेरे सर दे कोल दी बाड़ा नाल खह के भी लंघे आ, वह तकरीबन मैं सुने ने। हाँ जी, पुलिस तकरीबन 1.5 घंटे के बच्चे इतने पहुँच गई थी। इंस्पैक्टर साहब पहुँच गए थे, चौंकी इंचार्ज DSP साहब, DCP साहब सारे ही पहुँच गए थे। पुलिस ने साड़ी बहुत मदद की है, पहला भी साड़ी करती है, असी पुलिस के मदद ना ही हूँ तक साड़ा बचाव आ, साड़ी बहुत ही साड़ा संयोग देती है। वो पुराने ही अपराधक मामलों के उन्हों का जिक्र आता वा, हमेशा ही वह पहला तो ही जदों तो ही वह इतने 20-25 साल तो गुंडागर्दी करते रहते हैं। वो किसी को धी भैन की कोई किसी की इज्जत नहीं हैगी करते, तो हमेशा ही जदों भी कोई भी हमेशा ही सारे ही लोगों से दहशत पाना चाहते हैं। ये दहशत का माहौल इन्होंने फैलाया हुआ। मैं पुलिस को बेनती करता कि जल्दी तो जल्दी इन्होंने गिरफ्तार कर। हाँ जी, वो सीसी जिहड़े कैमरे की फुटेज आ वो पुलिस वाले के कोल आ, उस 3 गड्डिया का जिक्र आया वा, बच्चे वे उन्होंने बंदे बैठे भी ने, बाहर खड़े भी ने, और जोड़ा भी जिक्र वो तुम आप पुलिस तो लै सकते। CCTV फुटेज चेक करवाया जा रहा है, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी फैक्ट सामने आए उसके हिसाब से अगली कार्रवाई होगी। अभी हम सारे फैक्ट्स कॉरोबरेट करके और सारे फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम आपको डिटेल में। अभी तो जो एलिगेशन है और जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें 6-7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उसके बारे में सभी लोगों का रोल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में डिटेल बताएंगे आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना।